सभी सोचते हैं सुल्तान की हीरो वो होता है जो जीतता है। मेरा यह मानना है कि हीरो वो होता है जो हारता है, क्योंकि वही जानता है जीतने की असली। वेलकम बैक गाइस। सो गाइस कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों सब मस्त में गेट हुए। तुम्हारा भाई भी एकदम मस्त ही गेट है। सो गाइस आज अपन बात करने वाले टोंडे भाई के, टोंडे गेमर के बारे में। तो गाइस अपने तो जानते होंगे टोंडे गेमर जो बहुत ही बड़े यूट्यूबर है नेपाल का, और आपने वही कहावत भी सुनी होगी कि सक्सेस के पीछे किसी का भी हाथ नहीं होते, खुद को ब्रांड बनना पड़ता है, खुद को आगे जाना पड़ता है, खुद को सब कुछ अचीव करना पड़ता है। जी हाँ गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टोंडे गेमर के बारे में, इनके लाइफ में कितना मुसीबत किया सब कुछ आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा, ओके। और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ टोंडे भाई का, टोंडे गेमर का। सबसे पहले तो हम बात करते हैं टोंडे गेमर की रियल नेम क्या है। तो वैसे मैं बताना चाहूँगा टोंडे गेमर की रियल नेम है सज्जू गिरी, जो ये नेपाल से बिलोंग करते हैं और ये शादीशुदा भी हैं, और ये मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इनके छोटे बच्चे भी हैं। आप भी टोंडे गेमर का बहुत बड़ा फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और एक छोटा सा लाइक कर देना और सबसे जरूर ठोक देना गाइस। टोंडे गेमर यूट्यूब स्टार्ट किए थे 2019 से। टोंडे गेमर फ्री फायर पे कदम रखे थे 2017 या 18 से फ्री फायर में कदम रखे थे। तो गाइस आपको मैं बताना चाहूँगा टोंडे गेमर जो है ना भाई, बहुत ही मीडियम से और नीचे का फैमिली थे, उनका मिट्टी का घर था, और उनका जो बड़े भाई हैं वो आइसक्रीम बिककर भाई घर चलाते थे। जी हाँ गाइस, ये सच्ची कहानी है भाई, सच्ची कहानी नहीं भाई, सच्ची रियल में ये है। और आप टोंडे गेमर का आप फैन है तो गाइस आपको मैं बताना चाहूँगा टोंडे गेमर बहुत ही अच्छा इंसान है गाइस, क्योंकि मैं हर एक वीडियो उनका देखता हूँ। टोंडे गेमर बोल रहे थे कि मेरा कोई सा वीडियो वायरल नहीं हो रहा था पहले से, तो मैं बहुत ही मेहनत किया हूँ। और भाई आपको मैं बताना चाहूँगा टोंडे गेमर मोबाइल प्लेयर थे और अभी ये पीसी खरीदे हैं कुछ ही सब्सक्राइबर गेन करने के बाद, और इनके सक्सेस के पीछे भाई ये दोनों भाई का हाथ है। जी हाँ गाइस आपको मैं बताना चाहूँगा टोंडे भाई का एक पीसी जब खरीदे थे वो 84,000 का था, 84,000 का, ठीक है। ये जो मैं आपको कह रहा हूँ आपको विश्वास भी नहीं हो रहा होगा, तो इनका थोड़ा आपको मैं दिखा देता हूँ वीडियो, ये क्या बोले हैं वीडियो में, तो चलते हैं देखते हैं गाइस। जब पढ़ाई अच्छा नहीं होता है तो भाई क्या कर रहा हूँ मैं। और एक दिन एक उधर हॉस्टल का दोस्त चिल्लाते हुए आता है, बुया बुया बुया, और उसके चेहरे में ना इतना वो खुशी था, खुशी चेहरे में दिख रहा था। भाई ये तो बहुत खुश है, क्या है मतलब क्यों इतना क्या चिल्ला रहा है ये? हाँ बोला, तो उसने दिखाया कि फ्री फायर ये एक गेम है जिसमें ऐसा हम विन करते तो ये बुया करके लिख के आता है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था ये बुया शब्द, ऐसा अनजान शब्द जो मैंने कभी नहीं सुना, अभी जाके मेरा एक पहचान बन जाएगा। तो भाई मैंने भी डाउनलोड किया, और जब भी मैं काम से थक कर आता था, पढ़ाई से फ्री टाइम मिलता था, तो मैं फ्री फायर खेलने लगता था, और उधर मेरे को जो भी प्रॉब्लम्स थे मेरे लाइफ में गुजर रहे थे वो सारे प्रॉब्लम्स में भूल जाता था। यही है, अभी हमको बुगिया करना है, जीतना है मैच को, ऐसा होता था। जो हमारा सर्वर है नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश साथ में था, तो हर जगह से मेरे दोस्त बने, रियल लाइफ में भी इतने अच्छे दोस्त नहीं बने जो गेम के अंदर मिल गए। नहीं नहीं मारो मत, अरे भाई मार। गेम के वजह से पूरा दुनिया घूम लिया भाई, और क्या चाहिए। वो बोलते हैं ना गाइस, मेहनत का फल कभी बुरा असर नहीं होते, मेहनत का फल मीठा ही होता है। प्रॉब्लम से
रेगुलरली दिन में 12 से 14 घंटा गेम खेलता था और रैंक पुश भी करता था, ग्लोबल में भी था, लोग मेरे को पहचानने लग गए। मैं भले ही डिमोटिवेट हो जाऊँ, उसको मोटिवेट रखना है जैसे भी करके। वो मोटिवेट रहेगा तो जिधर से कुछ भी करके जहाँ से जो करना रहेगा मैं उसको आगे बढ़ा के मैं रहेगा करेगा। तो फिर हमने मम्मी को कन्विंस किया, अब तो हमको चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो जैसे भी करके हमने मम्मी को कन्विंस किया और 84,000 का फर्स्ट हम लोग ने स्ट्रीमिंग सेटअप खरीदा, वो पीसी खरीदा। सो भाई लोग, यहाँ पे मैं अकेला बचा हुआ हूँ और मेरे सारे टीममेट्स मर चुके हैं। ओरेक्स के बिना मैं मार नहीं सकता हूँ दोस्तों। फैंटास्टिक गाइस, क्या लगता है आप लोगों को मैं ये मैच को बुआ कर पाऊंगा या नहीं, कमेंट सेक्शन में बता दो। तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, व्यूज और सब्सक्राइबर वगैरह नहीं बढ़ रहा था, तो मैंने क्या किया, एक दिन लाइव स्ट्रीमिंग से वीडियो, प्रैंक वीडियो था ये, काट के उसको अपलोड कर दिया ऐसे एडिट करे बिना। तो उसमें ऑलमोस्ट 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज आ गए। तो मेरे को लगा कि भाई चलो मैं अगर अपना एडिटिंग में और काम करूँ तो भाई अभी 1 मिलियन आ रहा तो उससे भी ज़्यादा आ सकता है। करते करते अच्छा व्यूज आने लगे, मैं चैलेंजेस वीडियो करने लगा, उसमें भी अच्छा व्यूज आने लगे, प्रैंक करने लगा, रैंडम प्लेयर के साथ खेलने लगा, रैंक पुश करने लगा, तो लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगे मेरे को, वीडियोस देखने लगे। धीरे धीरे होते होते मेरे 6 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भी हो गया। मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हैं, जो मिट्टी का घर था अभी वो मिट्टी का घर नहीं है, सीमेंट का घर बन चुका है, 2 माले का हो चुका है। रामनगर अहिले खुसीको आँसु पनि आउँछ, दुःख भन्दा खुसीको आँसु पनि आउँछ, खुसी लाग्छ। छोराहरूले सम्म पुग्छन् भन्ने थिएन मलाई, दुःख पाउँछ जस्तो थियो, अब अहिले धेरै राम्रो छ, अरू भन्दा पनि धेरै राम्रो छ। शायद मैं और कम्युनिटी पे होता फ्री फायर के अलावा छोड़ के, शायद इतना मेरे को सपोर्ट नहीं मिलता जो सपोर्ट अभी मेरे को मिल रहा है फ्री फायर से। और जैसे मेरे को सपोर्ट मिला इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, हर जगह से, और अभी यहाँ तक मैं आ पहुँचा फ्री फायर खेल कर। तो मैं भी जो भी नए क्रिएटर्स हैं उनको सपोर्ट करता हूँ, लाइव स्ट्रीम में रेड करता हूँ, एडवाइस देता रहता हूँ। जो सपोर्ट मेरे को मिला, जिस तरीके से मैं आगे बढ़ा, मैं चाहता हूँ कि वो भी आगे बढ़ पाए। जितना भी मेरे को मिला है उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बट इसी में मेरे को स्टॉप नहीं होना, मेरे को और आगे बढ़ना है। मेरे को काठमांडू जाना है, उधर कैपिटल सिटी में घर लेना है, गाड़ी नहीं ली है, काफ़ी महंगा रहता है इधर, तो गाड़ी नहीं ली। टोने को मन्ने गाइस जो बोला गाड़ी लेने के लिए कुछ ही पैसा से नहीं था, अभी वो गाड़ी खरीद लिए हैं। भाई क्या जिंदगी है भाई, आपकी जिंदगी में ऐसा हो रहा होगा तो कोई ना गाइस मेहनत कर जाओ, आपको भाई एक दिन सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी गाइस। जी हाँ गाइस, सबको मैं कहना चाहूँगा, मेहनत तो, मेहनत का फल मीठा होता है और मेहनत का कभी ना कभी तो रंग लगेगी गाइस। आप मेहनत करते जाओ, फल की चिंता मत किया करो। दुख इसी बात का रहता है कि अब अगर मेरे पापा भी होते, दादाजी भी अभी होते, तो वो भी ये चीज़ देख के खुश रहते, शायद क्या पता कहीं से वो देख भी रहे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला मुझे कमेंट में जरूर बताना, और आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो फ्री फायर नेपाल ऑफिशियल चैनल पे अपलोड है, आप जाकर देख सकते हो टोने भाई का वीडियो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, तुम्हारे भाई को सपोर्ट जरूर कर देना, और सबसे और बेल वाला आइकन को जरूर क्लिक कर देना। तो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, अपना ख्याल रखना, टेक केयर।